वाली पूजा होती तो भाई को आवाज चली गई होती, पता नहीं बस हल्की सी कटकट आवाज आई और चैन निकल गई। ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि व्लॉग में ये भी होगा। सफर पता है कहाँ तक का है? लखनऊ तक का। हेलो एवरीवन, दिस इज प्राज एंड यू आर वाचिंग स्टंटर एफआरजेड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, ये एक अनएक्सपेक्टेड वीडियो है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसे राइड करनी पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ बिजनौर से लखनऊ, और वो भी ये भूसा लेकर के। ये एक बनी हुई भूसा है। ये तुम दिल्ली के ही? बिजनौर से ही हूँ। कौन सी गाड़ी है ये? रेप्लिका बॉडी लगी हुई है, हायाबूसा है ये। ठीक है भैया, पूरा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में। अब यार मैं कहाँ तक बताऊँ लोगों को कि ये रेप्लिका है। अब बंदा अपने आप ही समझ लेता है, जो समझ रहा है तो ठीक है भैया। गाइस, बाइक तो कुछ प्रॉब्लम कर रही है अभी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं साइड रुक करके पहले चेक कर लेता हूँ इसकी चेन तो कहीं है। चेन लूज है थोड़ी और चेन खटक पटक आवाज़ भी कर रही है, तो मैं इसकी चेन टाइट करा लेता हूँ। मैंने इसलिए ही अपने एक फ्रेंड को लिया है जिनके पास मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिजनौर से अभी मुरादाबाद। वो भाई मेरे साथ साथ चलेंगे बाइक लेकर के। आई होप कि पूरे रास्ते में कोई इशू ना हो और हम लोग साथ खैरियत के पहुँच जाएँ। फिलहाल राइड को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं पहले बाइक एक बार पीछे ले जा कर के इसको चेक करा लेता हूँ। पता नहीं बस हल्की सी कटकट आवाज़ आई और चेन निकल गई। मुझे ऑलरेडी पहले ही काफ़ी लेट हो गया है और मैं जल्द से इसको सही करा करके फिर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे दिन दिन से पहुँचना भी है और फिर वापस भी करना है। ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि व्लॉग में ये भी होगा। भाई सफ़र पता है कहाँ तक का है? लखनऊ तक का। चैन अभी टूट गई तो ज़रा कुछ। और ये कप ऐसे, इसमें आवाज़ ऐसे आई थी कटक कटक, ऐसे आवाज़ आ रही थी इसमें। ये देख कपलिंग देखिए, बैरिंग टूट गया। फिर तो फाइनली गाइस, बाइक अभी रेडी है। इसका एक बैरिंग डला है और इसकी चेन ओके हुई है, तो मैं निकल रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच चुका हूँ और अभी तक मेरे 2.5 घंटे यहीं पर ही ख़राब हो गए हैं। तो लगभग 10 बजे, अब मैं 10 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ। सो अब हम लोग निकलते हैं। चलो ठीक है, अब जा रहे हैं। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are... So friends, यार बाइक अभी तो मेरी ऑसम हो गई है और मैंने लगभग इसको 130 किलोमीटर तक कवर भी कर लिया है। मैंने रास्ते में रुके अभी बैटरी चेंज की थी, मेरे GoPro की बैटरी थोड़ी दिक्कत कर गई थी। सो अभी मुझे बस मैंने फ़ोन किया था अपने कलन भाई को, वो मुझे आगे मिलने ही वाले हैं क्योंकि वो इसी वाले रोड पर है। हमने रामपुर भी क्रॉस कर दिया है और बरेली के रास्ते में वो मुझे मिलेंगे। और यार बाइक तो एकदम मौसम हो रही है, रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं, क्या बताऊँ मैं थक गया यार, सच बताऊँ ना, झूठ बोलता बोलता। अब क्या है ना कि यार सामने वाला बंदा इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ, भाई कितने के लिए है, कितना एवरेज देती है, तो मैं इतने ज़्यादा झूठ बोलने पड़े सोचते पहले मैं निकल जाता हूँ। अच्छा मज़ा बहुत आ रहा है और बेस भी बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा बॉडी लेंथ जो है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर भूसा वाला होने की वजह से इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। प्लस टायर तो आपने देखा ही है, तो टायर प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छी बैलेंसिंग आ रही है। ओवरऑल राइड तो यार बहुत अच्छी है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं मतलब इतनी लंबी राइड पर निकला हूँ, और वरना मैं लगभग गया हूँ वन साइड जैसे 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक गया हूँ। तो अप एंड डाउन मेरे को पड़ा है 500 के आसपास। अभी मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि मैं 500 ही वन साइड जा रहा हूँ, वो भी बाइक से। राइडिंग में तो वैसे काफ़ी कंफर्टेबल हो रही है बाइक, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है मुझे। रोड बहुत अच्छा मिला है, मतलब थोड़ा रास्ते में ख़राब था और मैं घर से निकला था 7 बजे के करीब, फिर वो चेन वाला मैटर हो गया अपना, फिर GoPro डाउन हुआ, बीच का कुछ रास्ता ख़राब था। तो अभी मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और आई होप कि मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे वापस आकर फिर अपनी दूसरी वीडियोस पर भी ध्यान देना है, अपने काम पर भी ध्यान देना है। ये देखिए आप, बैलेंसिंग का पूरा मज़ा है। व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से बहुत अच्छा बैलेंस दे रही है बाइक, और रोड तो अभी तक पूरा औसम ही है। और मुझे लगता है वो देखो सामने, यही हैं भाई अपने कल्लन भाई, क्योंकि मैंने इनको साथ में ले लिया था, मुझे बाइक पर थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने भाई को कॉल करी, भाई एकदम रेडी हो गए चलने के लिए। इनके यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बैठता है, 350 किलोमीटर के आसपास बैठता है। अभी अपने पास ओरिजिनल वाली पूछा होती तो भाई को आवाज़ चली गई होती,
क्योंकि मैंने उनसे बोल ही दिया था कि आप चलते रहो, मैं आपको बरेली में मिलेंगे। अभी मैं मिल गया हूँ और इनको आवाज़ दे देता हूँ मैं, कलन भाई। भाई को देता हूँ मैं बाइक चलाने के लिए, कलन भाई से ये वाली बाइक चलवाते हैं। मैं रोक के भाई से मिल लेता हूँ पहले। एक बार बाइक भी चेक कर लेंगे, क्योंकि अराउंड मैंने इसको एक ब्रेक लिया था, उसके बाद से 100 किलोमीटर लगभग खींच दिया है। मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा दिन दिन से पहुंच जाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रात के टाइम में फिर एक दूसरे को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कलन भाई बढ़िया, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया। सब बढ़िया, कोई दिक्कत? चलिए चलाइए आप। हाँ मैं वो चलाता हूँ। तो ये है हमारे कलन भाई की 250 और भाई का लुक देखते हैं कैसा आता है। Yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये हमारा नेक्स्ट डे है। कल रात हमने बाइक भैया को पहुंचा दी है, और जहां पर मैंने बाइक देनी थी वो बाइक दे दी है। अब मैं निकल रहा हूं जामा मस्जिद के लिए, और जामा मस्जिद से मैं नमाज़ पढ़ के फ्राइडे की नमाज़ पढ़ूंगा जामा मस्जिद में, और फिर निकलूँगा। अपना 450 किलोमीटर का टूर रहेगा यहाँ से बिजनौर तक। तो ये 250 है, ये लेकर के हम चल रहे हैं बिजनौर, या फिर हो सकता है अगर टाइम रहा तो मैं इसको मुरादाबाद में ही छोड़ दूंगा बाइक को, फिर मैं निकल जाऊंगा आगे। ये देखो, ओ दुर्नाटे काट रहा है, ये तो दुर्नाटे काट रहा है गाइस लखनऊ में। यार लखनऊ बहुत लाजवाब है, मैं मतलब आता था यहाँ, जब भी मैं आया हूँ तो बाई ट्रेन ही आया हूँ, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाई रोड का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। यहाँ से लौट के जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ये नहीं कि मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मतलब 430 किलोमीटर मैंने फर्स्ट टाइम राइड की है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ड्यूक तो है ही कम्फर्टेबल, ये तो मतलब बहुत ही लाजवाब चीज़ है। तो गाइस आप लोग भी पूरा इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मुझे ये क्रेटा कुछ मूड में लग रही है यार, गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत लाजवाब गाड़ी है और बेहतरीन, एकदम पाकी वाकती बहुत अच्छा है। अब मेरे पास 390 होती तो मैं तो ओपन चैलेंज कर देता, लेकिन अभी 250 है, देखते हैं कहाँ तक कवर पर पकाएगी। पहले देखते हैं कि भाई हमारे साथ में लगाते हैं कि नहीं लगाते। आप सब कैसे हो? हम बरेली से आ रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। कल के हम निकले हुए थे, घर वापस जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे हम बरेली से निकले थे अपने मुरादाबाद के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम मुरादाबाद पहुंच जाएंगे 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पर, और मैंने कलन भाई की बाइक वहीं पर ही छोड़ दी थी उनके साथ में, और मैं बस से आ गया। और बहुत ज़्यादा बॉडी मेरी थक गई है, क्योंकि बस से आने में और फिर पूरा 1000 किलोमीटर का सफ़र मेरा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। सो अब हम 2 दिन के बाद जा रहे हैं यहाँ से देहरादून, और देहरादून जा कर के आपको कुछ न्यू वीडियोज़ पर बोले तो बोला भी नहीं जा रहा ना, मतलब न्यू ब्लॉग्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी बाइक्स पर ब्लॉग्स दूंगा वहाँ पर, कुछ स्टंट्स के ब्लॉग्स भी अब कंटिन्यू होंगे हमारे, कुछ राइड्स भी मिलेंगी वहाँ पर, सुपर बाइक्स पर ब्लॉग्स आएंगे। सो 2 दिन की थकान मिटा के फिर निकलते हैं देहरादून, और देहरादून में अपनी ब्लॉग्स को करते हैं स्टार्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।